नमस्कार, HBN 24 न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं पत्रकार संदीप नोखवाल आप सभी का हरियाणा की बड़ी खबरों में स्वागत करता हूं। अभी की बड़ी खबर आपको बता दें कि आपने मामला सुना होगा कि सोनाली फोगाट हत्या मामले में सोनाली फोगाट के भाई रिंकू ढाका ने कुलदीप बिश्नोई पर मौत के आरोप लगाए हैं। कुलदीप बिश्नोई को सोनाली फोगाट के मर्डर के लिए अक्यूज करार दिया है। बताना चाहूँगा, उनके भाई ने ऐसा करार दिया है कि सोनाली फोगाट की हत्या के लिए कुलदीप बिश्नोई ही जिम्मेदार है। उनका मानना है कि शायद सोनाली फोगाट कुलदीप बिश्नोई के भाजपा में शामिल होने के बाद कोई ना किसी तरह का डिप्रेशन या किसी न किसी तरह का दबाव में जो है सांगवा ने उन्हें ड्रग्स दी, जिसके कारण उसकी हत्या हुई है। लेकिन उनके जो आरोप लगाए गए हैं उसको लेकर अभी तक कोई भी CBI को या पुलिस को सबूत नहीं मिला है। लेकिन आपको बता दें कि चौधरी कुलदीप बिश्नोई के अंदर डर की सुगुहाट शुरू हो चुकी है। जी हां, ढाका के बयान के बाद सोनाली फोगाट के ससुराल पक्ष से मिलने पहुंचे कुलदीप बिश्नोई। हालांकि ससुराल पक्ष ने मना कर दिया है कि कुलदीप बिश्नोई पर कोई शक नहीं है और ना ही वह उनके खिलाफ कोई किसी प्रकार का चुनाव लड़ेंगे, ना ही हमें किसी प्रकार की राजनीति है। सोनाली के भतीजे मनिंद्र ने कहा कि कुलदीप बिश्नोई ने CBI जांच जल्द पूरी होने की बात कही है। उन्होंने परिवार को भरोसा दिलाया कि CBI जांच को जल्द पूरा कराने की मांग को उठाएंगे। फोगाट परिवार ने कहा कि हमें किसी तरह की राजनीति नहीं चाहते। कुछ लोग अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा के चलते फिजूल के आरोप लगा रहे हैं, यानी साफ साफ सोनाली फोगाट के मायके वाले या सोनाली फोगाट के भाई को ये संकेत दिया गया सोनाली फोगाट के ससुराल परिवार की तरफ से। आपको बताना चाहूंगा कि सोनाली के मायके व ससुराल में काफी मतभेद नजर आ रहे हैं। फोगाट परिवार ने राजनीति से इनकार किया, बल्कि फोगाट की सास ने कहा कि हमें कोई शक नहीं है, हम किसी तरह की राजनीति नहीं चाहते हैं। असली परिवार से नहीं मिले कुलदीप सता रहे हैं हादसे का डर। अमन पुनिया, आपको बताना चाहूंगा कि सोनाली फोगाट के बहन रुकेश के पति अमन पुनिया ने कहा कि जिन लोगों से कुलदीप बिश्नोई मिले वे असली परिवार नहीं है। सोनाली के पति की मौत हो चुकी है, उसके पति के भाइयों में से सिर्फ सुरेंद्र फोगाट जिंदा है। दूर दराज के रिश्तेदार कुछ भी बयान दे सकते हैं। जिन लोगों ने कुलदीप के साथ होने के बयान दिए हैं वह लोग सोनाली के न्याय की मांग से पहले भी नहीं खड़े थे। यानी आपको बता दें कि सोनाली फोगाट के बहन रुकेश पुनिया के घर वालों ने बयान दिया है कि जो परिवार से कुलदीप बिश्नोई मिले हैं वह नकली परिवार है। वह लोग खुद ही कह रहे हैं कि 20 साल से कांग्रेस होने के नाते कुलदीप के साथ काम कर रहे हैं। हम अपने बयान पर पूरी तरह से कायम हैं। आज के घटनाक्रम के बाद हमें डर सताने लगा है, पता नहीं हमारे साथ भी किस तरह का हादसा न हो जाए, ऐसा रुकेश पुनिया के पति ने कहा है। 24 सितंबर को खापों की महापंचायत हुई, जिसमें भी चौधरी कुलदीप बिश्नोई को जवाब देने के लिए खाप पंचायत ने यहाँ पर प्रेरित किया है। इसको लेकर आपका क्या मानना है, कमेंट कर सकते हैं, लिख सकते हैं हमारी वीडियो के कमेंट सेक्शन में। जुड़े रहिएगा HBN 24 न्यूज के साथ, बने रहिएगा। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।